सहजनवा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक कलयुगी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है। जमीनी विवाद को लेकर बीते दिनों एक पुत्र ने अपनी बूढ़ी मां पर सरिया से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी। अपनी मां की हत्या करने के बाद कलयुगी पुत्र फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने सहजनवा थाना क्षेत्र के भीटी रावत चौराहा के पास बने ओवरब्रिज से गिरफ्तार किया है। अपनी माँ का हत्यारा कलयुगी पुत्र लोलई उर्फ मकरवज सहजनवा थाना क्षेत्र के सोनबरसा का रहने वाला है, जिसका अपनी मां से काफी दिनों से जमीनी जायदाद को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर बीते 15 जुलाई को मौका देकर लोलई ने अपनी मां को लोहे की रॉड से पीटकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया, ये लोलई नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और इसने जघन्य अपराध करते हुए अपनी मदर की हत्या की, अपने माता की हत्या की थी। ये 15-7 की घटना है और ये अपने माता के ऊपर लगातार दबाव बना रहा था कि वो एक ज़मीन जो इनकी थी उसको सेल करे पैसे के उसके अंदर, जिसके लिए इनकी माताजी तैयार नहीं थी। और घटना के दिन इन्होंने सरिये से उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये फरार हो गए थे। इस बीच ही अलग अलग जगह रहे और पुलिस को सूचना मिली, उन्होंने इनको गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तारी के साथ साथ जो आला कत्ल है जिससे हत्या की गई उसको भी बरामद किया गया है और बाकी विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।